नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस दही बड़े को हम सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। ये दही बड़ा बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी के वड़े बनाएंगे, और वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, कुछ ड्राई नट्स कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच दही, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार, और तेल चाहिए बड़ों को तलने के लिए। और सूजी के दही वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच चीनी, इमली की चटनी, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, हरे धनिया की चटनी, इसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अनारदाना ऊपर से सजाने के लिए, और काला नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक बर्तन में सूजी निकाल लेंगे, और फिर उसमें हम दही, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं, बारीक कटा हुआ अदरक, कटे हुए सूखे मेवे, मेवे आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, स्वादानुसार नमक, और बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेंगे। हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हमारा एक गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये बैटर कितना गाढ़ा है। इस बैटर को बनाने में मैंने लगभग 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब हमारा ये बैटर तैयार है, हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम फिर से इस बैटर को चम्मच से अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हमारा बैटर वड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वड़ा बनाने के लिए हम पहले हाथ को इस तरह से पानी से भिगा लेंगे, और फिर इस तरह से बैटर को उठाते हुए इसे तेल में डालकर छान लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम गैस की आंच को मध्यम कर देंगे, और फिर इस तरह से इसमें वड़े को डाल देंगे, और अब हम मीडियम फ्लेम पर ही इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के वड़ों को भी तल लेंगे। तो अब हमारे सारे वड़े तलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन तले हुए वड़ों को नॉर्मल पानी में भिंगोकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। पानी में भिंगोकर रखने से वड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे जब हम इन पर दही डालेंगे या इनका दही वड़ा बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। तो अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रख देंगे।
अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये वड़े पानी में भीगकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम एक वड़ा निकालेंगे और उसे इस तरह से हाथ में लेकर हल्के हाथ से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे और अब इस वड़े को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैं एक साथ 3 वड़ों को निकाल रही हूँ। आप जितना चाहे उतना वड़ा एक साथ सर्विंग प्लेट में सर्व कर सकती हैं। दही वड़े को सर्व करने के लिए सबसे पहले हम दही में चीनी मिलाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच चीनी दही में मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी की मात्रा घटा या बढ़ा भी सकती हैं। तो दही और चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, आप दही की कंसिस्टेंसी देख सकती हैं। अब हम लगभग 3 चम्मच दही इस सूजी के वड़े पर डालेंगे या उतनी दही जो इस वड़े को अच्छी तरह से हर तरफ से कवर कर ले। इसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, फिर हरे धनिए की चटनी डालेंगे, फिर 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी सफेद नमक, 1 चुटकी भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटे हुए हरे धनिए और अनारदाने से इसे सजाकर सर्व करेंगे। इन सब चीजों की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकती हैं। तो अब हमारा सूजी का दही वड़ा बिल्कुल तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और कितनी आसानी से कट रहा है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव और सुझाव मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।